इंसान थोड़ा सा कामयाब क्या होता है, उसके पास कामयाबी का घमंड आ जाता है। उसे थोड़े धन क्या मिल जाते हैं, उसे उस धन का घमंड हो जाता है। ये बात सच है कि अक्सर घमंड उन्हें ही आता है जिन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें बिना मेहनत के कम समय में मिल गई हो। एक कहानी है, उम्मीद है कहानी आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। बहुत पुरानी बात है, एक समय में एक राजा था। राजा की ख्याति दूर दूर तक उसके नगर में फैली हुई थी। राजा की प्रजा राजा से बहुत प्यार करती थी, सब उसकी बहुत इज्जत और सम्मान किया करते थे। एक दिन राजा ने अपने आप को शीशे में देखा तो उसे लगा कि वो बूढ़ा हो चला है। अब ये राजपाट सब कुछ त्याग के अब उसे संन्यास लेना चाहिए और खुद के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई और सभा बुला के ये घोषणा की कि मैं अब ये राजपाट बहुत जल्द छोड़ने वाला हूँ। राजा की मंत्री ने बोला, महाराज लेकिन आपकी तो कोई संतान ही नहीं है, ये राजपाट कौन चलाएगा? राजा बहुत चिंतित हो गए कि आखिर उनके बाद ये राजपाट कौन चलेगा। राजा की सिर्फ एक बेटी थी, राजा का कोई पुत्र नहीं था। फिर राजा ने घोषणा की कि हे मंत्री, अगली सुबह जो भी मेरे राज्य में सबसे पहले प्रवेश करेगा उसे इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा और मैं उसे ही सारा राजपाट दे के मैं संन्यास को चला जाऊँगा। अगले दिन मंत्री और सारे गण सहित गेट की निगरानी करने लगे, लेकिन उस दिन एक चमत्कार सा हुआ। उस दिन प्रातःकाल एक भिखारी नगर में प्रवेश करने लगा। मंत्री ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास लेके जाने लगे। वो आदमी डर गया, आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मेरी क्या गलती है? किसी ने कुछ नहीं बताया। वो आदमी ने फिर से पूछा, अरे बताओ, मेरे माँ बाप घर पर मेरी राह देख रहे हैं, मैं तो बस व्यापार करने के इरादे से इस नगर में आया था, मेरी कोई गलती हो गई तो बताओ मैंने क्या गुनाह कर दिया, आप सब मुझे इस तरह क्यों लेके जा रहे हो? उस आदमी को राजा के महल में लेके आया जाता है। भरी सभा में राजा उसको अपनी बेटी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं और हंसी खुशी उस इंसान से राजा अपनी लड़की का विवाह कर देता है और विवाह करने के पश्चात वन को प्रस्थान हो जाता है। धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं। मंत्री एक बात पर ध्यान देता है, राजा अक्सर हर हफ्ते एक बंद कमरे में जाता है और वहाँ पर जाके घंटों बिताने के बाद फिर वापस आ जाता है। मंत्री सोच में पड़ता है, आखिर ऐसी क्या बात है, राजा के सारे धन दौलत हीरे जवाहरात सब कुछ तो उसकी निगरानी में, फिर आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो राजा उस कमरे में जाता है और काफ़ी घंटों बिताने के बाद तभी वापस आता है? आखिर ऐसी कौन सी राज की बात है जो उस कमरे में छुपी हुई है? मंत्री को थोड़ा शक होता है। एक दिन उसे रहा नहीं जाता। अगले हफ्ते फिर जब राजा उस बंद कमरे में जा रहे होते हैं तो मंत्री उनको चुपके से देख रहा होता है कि वो जैसे ही बाहर आएंगे मैं उनको उस कमरे में जाने का कारण पूछूंगा। राजा जैसे ही काफ़ी घंटे बिताने के बाद उस कमरे से बाहर आता है, मंत्री उनसे पूछता है, महाराज इस राजभवन की सारी महंगी चीज़ें हीरे जवाहरात मुद्राएँ सब कुछ तो मेरी निगरानी में, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो आप सबसे छुपाते हैं और वहाँ जाने के बाद आप घंटों बाद वापस लौटते हैं और आप ऐसा हर हफ्ते करते हैं, आखिर ऐसा उस कमरे में क्या है? राजा बोलते हैं, मंत्री हर बात तुम्हें जानने का हक नहीं है, कुछ चीज़ें गुप्त ही रखी जाए तो अच्छा है। मंत्री का शक और बढ़ जाता है। वो फिर राज्य विशेष लोगों से पूछता है कि आखिर राजा के कमरे में ऐसी क्या बात है, राजा आखिर क्या छुपा रहे हैं, आखिर उस कमरे में ऐसी कौन सी खास बात है जो हम लोग भी नहीं जान सकते। लेकिन इस सवाल का जवाब राज्य में किसी के पास नहीं होता और ना ही उस महल का कोई भी इंसान उस बात को जानता है। हर कोई इस बात से अनजान होते हैं। मंत्री की चिंता दिन रात और बढ़ती जाती है कि आखिर राजा क्या छुपा रहे हैं, क्या कुछ ऐसा तो नहीं जो इस राज के लिए बहुत बुरा है? आखिर मंत्री को रहा नहीं जाता। मंत्री रानी से जाके सारी बात बता देते हैं कि महारानी महाराज हर रफ्ते एक ऐसे कमरे में जाते हैं जिस कमरे के बारे में इस राज में किसी को कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मैं बहुत चिंतित हूँ कि आखिर ऐसा उस कमरे में क्या है जो राजा छुपाते हैं और वो हर हफ्ते जाके घंटों बिताने के बाद वहाँ से आते हैं। रानी ज़िद्दी स्वभाव की थी, वो राजा के पास जाके पूछती हैं लेकिन राजा रानी को भी नहीं बताते। रानी गुस्सा हो जाती हैं और कोप भवन में जाके अन्न जल का त्याग करके वहाँ पर उदास होकर बैठ जाती हैं। आखिर में थक हार के राजा भी व्यस्त हो जाते हैं उनको सब कुछ बताने के लिए। फिर राजा कहते हैं, अगले हफ्ते जब मैं उस कमरे में जाऊँगा तो तुम सब मेरे साथ चलना, आखिर मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि आखिर उस कमरे में क्या है और मैं वहाँ पे हर हफ्ते क्यों जाता हूँ।
सब खुश हो जाते हैं कि चलो आखिरकार उस राज से पर्दा हटेगा कि आखिर उस कमरे में क्या है और राजा हर हफ्ते क्या देखने जाते हैं। आखिर वो घड़ी आ ही जाती है जब राजा सबको सब कुछ बताने और दिखाने वाले होते हैं। राजा अगली सुबह तैयार होके आते हैं और सबसे बोलते हैं, मैं दरवाज़ा खोलने वाला हूँ, जिस जिसको देखना है सब मेरे साथ आओ और सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ। रानी, मंत्री और राज्य के दो चार गढ़ सब राजा के पीछे खड़े होते हैं, दरवाज़ा खुलने वाला होता है। आखिरकार राजा ने दरवाज़ा खोल दिया और कहते हैं, जाओ जाके देख लो अंदर कौन सा राज छुपा हुआ है और अंदर कौन सा ऐसा सवाल है जिसके जवाब ढूंढने के लिए तुम सब इतने परेशान हो चुके हो। जब सब अंदर जाते हैं तो देख के हैरान रह जाते हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच बताऊं तो किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राजा उस कमरे में ऐसे रहस्य छुपे होंगे। आखिरकार मंत्री उस कमरे की तलाशी लेने के बाद बाहर आते हैं और हाथ जोड़ के राजा से पूछते हैं, महाराज उस कमरे में तो एक फटे कपड़े के अलावा और कुछ है नहीं, आप हर हफ्ते फटे कपड़े को देखने इस कमरे में क्यों जाते हैं, क्या उस कपड़े में भी कोई राज है? तब राजा कहते हैं, हे मंत्री, तुम काफी सालों से इस राज के कारभार को संभाल रहे हो, तुम इस महल के काफी पुराने नागरिक हो, तुम्हें याद होगा जब मैं राजा बनने वाला था तो तुम्ही ने मुझे गेट से एक फटेहाल कपड़ों में लेके आए थे और ये वही कपड़े हैं जो मैं पहन के इस महल में आया था और तुमने मुझे वहां से उठा के लाके यहाँ राजा बना दिया था। तब से लेके आज तक मैं इस सब भव्य महलों को देखता हूँ, ये दीवारों को देखता हूँ और मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे में घमंड आ जाता है। मैं कितना धनवान हूँ, मेरे पास कितना कुछ है, और जब ये घमंड आता है तो मैं अपना आत्मविश्वास खो देता हूँ। इसीलिए जब जब मुझे में घमंड आता है तब तक मैं अपने घमंड को दूर करने मैं इस कमरे में आकर इस कपड़े को देखता हूँ। तब मेरी उस समय की हैसियत याद आ जाती है कि मैं उस वक्त क्या था और मैं क्या पहन के आया था। तब मुझे एक क्षण में मेरा घमंड सब कुछ दूर हो जाता है और मैं फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगता हूँ। तब मंत्री कहता है, क्षमा करें राजन, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम जाने अनजाने में आपको गलत समझ बैठे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, मेरी भूल को क्षमा करिए महाराज, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, आप इस राज के लिए एक भगवान हो, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा राजा आज तक नहीं देखा, मुझे क्षमा करें। हे मंत्री, तुम्हें नहीं पता घमंड मनुष्य का ऐसा सर्वनाश कर देता है, चाहे वो कितनी कामयाबी ऊंचाई पर क्यों न पहुंचाओ, चाहे उसके पास कितनी ही धन दौलत संपत्ति क्यों न हो, जिस इंसान के अंदर घमंड है उसे सब कुछ डूबने में देर नहीं लगता, वो सारी चीज़ें सब कुछ मिलके उसके विनाश के रास्ते पर लेके जाती हैं, इसीलिए इस संसार में कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। बाकी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है आप इसे ज़रूर दबाएं। किसी भी तरह का सवाल है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।